जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। नवरात्रि मालूम है कब से लगती है? और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ। चार तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है शुभ कार्य के लिए, इसको लगाया जाए। नौ रात्रि के नौ दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में समंजस नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है, या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिले। भगवान शिव ने कहा, पहली आम के पत्ते की बंदरवाल। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है, ये शुभ कार्य की सूचक है। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल, ये अमावस्या के एक दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है, और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्र जिस दिन प्रारंभ होते हैं, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है, दशमी तिथि को लगकर एकादशी द्वादशी तक लगी रहती है, और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में समंजस नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। आप लोगों को ज्ञात होगा ना नवरात्रि कब से लगती है, तो सब लोग कहेंगे महाराज जी पड़वा से लगती है कम से, पर देवी भागवत कहती है अगर एकम से लगी तो नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई, एकम का दिन लगी तो एकम के दिन की रात्रि, फिर दूज के दिन की रात्रि, तीज के दिन की रात्रि, चतुर्थ दिन की रात्रि, पंचम दिन की रात्रि, छठे दिन की, सातवें दिन की, आठवें दिन की, नवे दिन की रात्रि, पर नवे दिन तो सुबेरे पूजन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हो। नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक, और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये नौ रात्रियां पूर्ण गिनी जाती है महाराज देवी भागवत के हिसाब से। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नवमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर नवमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर पहला दिन से लेकर। ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है, तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। देवी भागवत को अगर सुना हो तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया
अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है, पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती है, और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। अत्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना, दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो माता, साधारण नहीं है मेरी माता, तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने वाली। बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा, बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकले। माँ जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना, नवरात्र में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।